अगर आपके मॉनिटर का भी पावर 2 से 3 मिनट चलने के बाद ऑफ हो जा रही है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। ऐसा क्यों होता है और किसके कारण होता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। सो इस वीडियो को देखते रहें। सबसे पहले मॉनिटर के कवर को खोल लेते हैं। सॉकेटों को ध्यान से खोलें। अब बारी आती है SMPS की, इसको खोलकर बाहर निकालेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि मॉनिटर चलते चलते अचानक से कुछ समय बाद बंद क्यों हो जाती है, जिसके लिए इन तस्वीरों को ध्यान से देखें। सबसे पहले तो कैपेसिटर को चेक करेंगे, अगर कैपेसिटर फुला हुआ है तो इसको सेम वैल्यू कैपेसिटर से चेंज कर देंगे। अब बारी आती है इस कहानी के विलन का, द पावर रेगुलेटिंग IC। थोड़ा जूम करके देखने पर आपको इसके हालत का अंदाजा हो जाएगा। आप देख सकते हैं यह जिस जगह लगा हुआ है वह जगह थोड़ी सी लाल हो गई है, इसका मतलब यह है कि यह हद से ज़्यादा गर्म हो रही है। और इस IC का एक खूबी यह है कि अगर यह हद से ज़्यादा गर्म होने लगती है तो यह पावर को कट कर देती है, ताकि बोर्ड में दूसरे इक्विपमेंट्स को भी बचाया जा सके। लेकिन आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि IC खराब है या नहीं है, इसके लिए मैं कुछ टिप देता हूँ। पहला, अगर पावर रेगुलेटिंग IC के अगल बगल में ब्राउननेस है तो IC खराब हो चुकी है। दूसरा, हम बोर्ड में 2 से 3 मिनट तक मेन पावर सप्लाई देंगे, उसके बाद पावर सप्लाई ऑफ कर देंगे, उसके बाद अपनी उंगली को रेगुलेटिंग IC के ऊपर रखेंगे। अगर IC बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप समझ लीजिए कि IC का काम तमाम हो चुका है। इतना तो क्लियर है कि हमें IC को चेंज करने की ज़रूरत है। अब इस IC को डिसोल्डर करके बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इस IC को किस IC से चेंज करूँगा, उसका वैल्यू क्या होगा, डोंट वरी, मैं सब कुछ बताऊँगा। इस IC का डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल है, जिसमें मैंने बताया है कि ये IC कहाँ मिलेगी, कितने रुपए में मिलेगी, किस वैल्यू की IC खरीदनी है, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में कवर किया है, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। इसको मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है। अब इस नए IC को बोर्ड में IC के जगह पर सोल्डर कर देंगे। अब हमारी IC अपने जगह पर फिट हो गई है और टेस्टिंग के लिए तैयार है। अब मॉनिटर के सारे पार्ट्स को टाइट कर देंगे और कवर को लगा देंगे। आप देख सकते हैं हमारा मॉनिटर ऑन हो गया है, इसका मतलब हमने जो IC लगाई थी वो IC बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अब मैं 10 मिनट का वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाऊंगा कि यह ऑफ हो रहा है कि नहीं। 10 मिनट तक इस तरह से कैमरा को पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं इसको इस तरह से सेट कर दूंगा। आप देख सकते हैं सिस्टम क्लॉक इस समय 10:55 दिखा रहा है, हम इसे 11:05 तक टेस्टिंग करेंगे। देख सकते हैं मॉनिटर 10 मिनट तक नॉन स्टॉपली चलती रही है, यानी हमारा IC ठीक काम कर रहा है। और अगर दूसरे टेस्टिंग की बात करें तो आप जो वीडियो अभी देख रहे हैं वो वीडियो भी मैंने इसी मॉनिटर पर बनाया है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मॉनिटर के ऑफ होने के पीछे सिर्फ पावर रेगुलेटिंग IC का ही हाथ नहीं होता है, और भी इक्विपमेंट्स है जो खराब हो जाने के कारण मॉनिटर ऑफ हो जाते हैं।
लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए हमेशा पावर रेगुलेटिंग आईसी ही जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया है कि कौन सा आईसी खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, आईसी का पूरा डिटेल मैंने वहाँ पर दिया हुआ है, सो आप उसको भी ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।